इस समय खड़े हैं लघु सचिवालय हिसार, जहां पे सफाई कर्मचारी अपने मांगों को लेकर के ज्ञापन लेकर के यहां पे धरना प्रदर्शन किया, और क्या मांगे हैं इनकी बात करेंगे। हमारे साथ में जिला प्रधान राकेश कुमार जुड़े हुए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर ग्रामीण सफाई कर्मचारी मिनी सेक्रेटरिएट के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग मुद्दों को लेकर। मांग मुद्दों ये है कि सबसे महत्वपूर्ण मांग मुद्दे तो ये है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी 15 साल हो चुके हैं, आज तक ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का जो न्यूनतम वेतन है वो 26,000 किया जाए। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का जो वेतन है वो समय पे दिया जाए। अब दूसरा महीना लग चुका है ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को, अब तक वेतन नहीं दिया गया है। वेतन के कारण काफ़ी परेशानी आ रही है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को बच्चों की फीस भी देनी होती है, एडमिशन भी कराना होता है, अब गेहूँ भी लेनी होती है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और काम लिया जा रहा है सफाई कर्मचारियों के पास, लेकिन एक सरकार ने 2,000 और 2,500 की आबादी पर ग्रामीण सफाई कर्मचारी की भर्ती की गई थी, लेकिन आज तक कोई सफाई कर्मचारी की नई भर्ती नहीं की गई है। हम सरकार से बार बार मांग पत्र और धरने प्रदर्शन भी और वार्ता भी हो चुकी है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का पैमाना घटाया जाए और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की नई नियुक्ति की जाए। साधारण मौत पर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को 2,00,000 रुपये मुआवजा दिया जाए, जिसका पत्र आज तक जारी नहीं किया है सहमति होने के बाद तक। और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का जो औजार की व्यवस्था है वो कई बार के पंचायत भंग होने के कारण सफाई कर्मचारियों को औजार नहीं दिए गए थे पीछे भी, लेकिन अब हमारी मांग ये है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को उनके खाते में 2,000 रुपये दिया जाए। उस पर सहमति भी हो चुकी है, लेकिन कोई चिट्ठी पत्री जारी नहीं की गई है, ईएसआई कार्ड नहीं बनाए गए हैं ग्रामीण सफाई कर्मचारी। की बात करें तो कितने प्रभावित हो रहे हैं इससे सफाई कर्मचारी? बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं जी। और जो आप एक नई और थोप दी, सरपंच ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का इतना शोषण कर रहा है, क्योंकि अगर मैंने सरपंच का अलग अलग साथी हो चुनाव में, अगर मैं उस सरपंच अगर अब जीत जाता है और उसको मैं वोट नहीं दिया जाता है, उसका शोषण भी किया जाता है, क्यों तेरे को हटा देंगे, ये कर देंगे, ये थोड़ी होता है। गांव में सबके साथ भाईचारा होता है, शोषण किया जा रहा है और समय पे वेतन नहीं दिया जा रहा है। अधिकारियों से बात करते हैं तो सैलरी आएगी, लेकिन कोई समाधान नहीं। हम सरकार की कड़ी निंदा करते हैं। तो आज आपने क्या किया, ज्ञापन दिया? आज हमें ज्ञापन दिया है, तहसीलदार साहब ज्ञापन लेकर गए हैं और हमारा एक लेटर जारी हुआ है दिसंबर के महीने में। जिला कमेटी गठित किया जाए, आज तक कोई जिला कमेटी गठित नहीं की गई, ये DDPO की कमजोरी है। जो सरकार का लेटर भी आ चुका है, जो जिला कमेटी बननी है यहाँ वो जिला कमेटी बनाया जाए, जो नीचे सतर पे जो मसले होते हैं ब्लॉक सतर पे जो BDO से DDPO से यहाँ से निपटारा होता है, उसके लिए ये कमेटी गठित की गई है, लेकिन आज तक कमेटी के सदस्य नहीं बनाए गए हैं, तो इसका भी हम काफ़ी रोष करते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में जिला प्रधान राकेश कुमार, जो सफाई कर्मचारी यूनियन बनाई गई है उसके, और जो मांगे इन्होंने बताई कि जिन मांगों को लेकर के ये धरना प्रदर्शन आज लघु सचिवालय हिसार पे किया गया।